कितने दिन गर्मी के बाद फाइनली आज का मौसम कुछ सुहाना है। आज का मौसम काफी अच्छा है। आज मैं आप सभी को ले जा रही हूँ मेरे सेक्टर के पास वाली मार्केट में। हमारे यहाँ आपको हर गली में रेस्टोरेंट एंड कैफेज अवेलेबल मिल जाएंगे। ये लकड़ियाँ आप देख रहे हो, ये है सेल के लिए। गाइस ये देखिए, ये है एप्पल। ये आया है दिरांग से, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से, जो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन ये काफ़ी ऑर्गेनिक एंड टेस्टी है, काफ़ी मीठा है और इसका प्राइस है 250 ओनली। और ये देखिए, ये जंगल फ्रूट, ये हमारे यहाँ के जंगलों में मिलता है। इसको छीलकर आप खा सकते हो। और गाइस देखिए, ये है, इसके अंदर है फर्मेंटेड बीन्स, जो हमारे यहाँ के लोकल्स बनाते हैं बीन्स, और हम इसे कहते हैं पेहा या चुरपी, जो थोड़े स्मेली होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। हमारे यहाँ के लोकल हम बने चाव से खाते हैं इसे। और कैसे, ये देखिए, ये है तसे तसा, इसे भी हम खाते हैं। ये काफ़ी फेमस है और ऑर्गेनिक है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी। और गैस आप ये पैकेट्स देख रहे हो, यहाँ ये बेम्बू को सुखा कर, काफ़ी दिन तक सुखा कर यहाँ ऐसे हो जाता है, उसके बाद यहाँ पैकिंग करके रखा है बेम्बू सूट। ये जो ये भी काफ़ी खट्टा होता है और ऐसे भी हम खाते हैं सब्जियों में डाल कर थोड़ा। और यहाँ मीट का भी पैकेट करके रखा है और यहाँ चिलीज का भी ऐसे सुखा कर, यहाँ पीस कर चिलीज का भी पैकेट, लोकल चिली का पैकेट है ये यहाँ। और आप ये पैकेट देख रहे हो, वाइट वाली बेम्बू है, ये काफ़ी खट्टा है। ये इसे काफ़ी दिन तक दबा कर बांध कर रखने के बाद ऐसा ये होता है, इसका भी अलग फ्लेवर होता है। इसे भी हम मीट में या सब्जी बनाकर हम खाते हैं, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा। और ये देखिए, ये भी बेम्बू है, बेम्बू को पीस कर यहाँ ढाला है थोड़ा थोड़ा करके ये इसके अंदर, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर सके बेम्बू का। इसे हम सब्जियों में थोड़ा थोड़ा डालकर खाते हैं, थोड़ा खट्टा होता है। यह तलम बेम्बू काफ़ी टेस्टी होता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं, बिल्कुल भी खट्टा नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन काफ़ी टेस्टी है। और ये है जलाया वाला बेम्बू, इसे जलाकर छीलकर यह रखा है, पूरा पका हुआ है। ये काफ़ी टेस्टी होता है, थोड़ा थोड़ा कड़वा होता है, आप डायरेक्ट खा सकते हो। और गाइस ये देखिए, ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड बैग्स प्लास्टिक के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, यू नो प्राइस भी ठीक ही है, 300 पर पीस, काफ़ी सुंदर है। और गाइस ये देखिए, ये बड़े वाले बैग है, यहाँ आप बहुत सारे सामान डाल सकते हो, पिकनिक में ले जा सकते हो, काफ़ी सुंदर है। ये है कीवी वाइन, कीवी का फ्रूट से बनाया हुआ है, ये जीरो जगह से आया है, जीरो में कीवी काफ़ी मिलते हैं, तो वहाँ का ही ये बना हुआ है। इसका पर बोतल का है 500 रुपीस, तो थोड़ा डिस्काउंट करके दे रहा है। ये है हमारे यहाँ के लोकल राइस, ये थोड़ा रेड कलर का है और अलग अलग टाइप के आपको यहाँ राइस मिल जाएंगे। और ये काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी फैट्स होता है यहाँ। और ये पर मग केजी है, एक केजी मग वाले, तो एक केजी का 100 रुपीस करके है। और वे लोग फ्री में भी एक्स्ट्रा आपको काफ़ी दे देंगे।
है व्हाइट मशरूम्स। मशरूम मेरा फेवरेट है और आजकल काफ़ी लोग मशरूम्स अपने घरों में ही उगा रहे हैं। ये काफ़ी टेस्टी होता है और शायद ये भी अपने घरों में उगाया हुआ ही मशरूम है। और ये है रोस्टेड मीट्स, ये है बर्ड्स, चिड़िया जो जंगल में पाए जाते हैं। यहाँ कुछ बस कुछ रखे हैं और ये है मिठून का मीट और एंड ये है पोर्क का मीट। ये सब पके हुए हैं, आप डायरेक्ट लेकर भी खा सकते हो, रोस्टेड है सारे। और ये है ये जंगल में जो पाए जाते हैं ना, जो सेफ होते हैं वो वाले चूहे हैं, रेड्स, जो हमारे यहाँ के कुछ लोग खाते हैं। पूरा रोस्टेड है और कैसी है लोकल फिश, हमारे यहाँ के नदी से पकड़े हुए फिश जो रोस्टेड है। और ये है हेजल नट्स, हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये काफ़ी हैवी हैं। हिंदू फेस्टिवल्स हमारे यहाँ काफ़ी मनाए जाते हैं और अभी जो फेस्टिवल्स है उसके जोर शोर से तैयारी हो रही है। शाम हो गया है और आरती की शुरुआत हो गई है। कल सुबह से जो फेस्टिवल है उसके पूजा की तैयारी अभी से ही कर रहे हैं।